आज आपका परिचय कराते हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी ग्राम पंचायत से जिसकी नियोजनपूर्ण और विकास उन्मुख नीतियों के कारण गांव में समृद्धि की लहर दौड़ने लगी। हम बात कर रहे हैं नागपुर जिले के काटोल तहसील की खुरसापार गांव पंचायत की। लेकिन विदर्भ के बाकी गांवों से भी अधिक खुरसापार में पानी की समस्या थी। कोरोना गांव होता 15 वर्षापासून या गावात पाण्याची खूप अडचण होती, खूप समस्या कठीण होती। पीने के पानी के अभाव से ग्रामीण परेशान हो रहे थे। समस्या इतनी बुरी थी कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को डार्क जोन में डाल दिया था और यहां तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को हर साल टैंकर भेजने पड़ते थे। जमीन का पानी भी 800 फीट तक नीचे चला गया था। गांव में पीने और इस्तेमाल करने के पानी की कमी के कारण लोगों को, खासकर महिलाओं को, काफी परेशानी हो रही थी। दोन वावरावरून हळावरून पाणी भरत होतो आम्ही, आणि आता कामधंदे टाकून शेण पाणी भरो। तळ्यावरून पाणी आणत होतो, 1-1.5 तास लागत होता। 4 वर्षा पहिले इथं पाण्याचा दुष्काळ होता, त्यामुळे आम्हाला शेती करण्यात थोडस अडचण जायची। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात की सुबह जरूर होती है, अगर योग्य नियोजन, साफ नियत और सबसे समन्वय स्थापित करके काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या को मात दी जा सकती है। खुरसापार ग्राम पंचायत इसका जीता जागता उदाहरण है। महाराष्ट्र सरकार सूखे की समस्या से निपटने के लिए जल युक्त शिवार योजना लेकर आई। इसी दिशा में चलते हुए खुरसापार ग्राम पंचायत ने भी अपने क्षेत्र में ठोस कदम उठाए। सबसे पहले वर्ष 2018-19 में गांव के 2 तालाबों को कीचड़ मुक्त करके गहरा बनाया गया। ऐसे ही गांव में जलापूर्ति करने वाले 2 कुओं को और गहरा किया गया। इसके साथ ही 18 बंधारे यानी छोटे डैम और 5 किलोमीटर तक नाले से कीचड़ भी निकाला गया। इसी तरह बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए सभी सरकारी इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भी लगाई गई। इस मेहनत का असर भी जल्द ही दिखने लगा। गांव के नाले और जलापूर्ति करने वाले कुओं को 20 रिचार्ज शॉप करके उनका जल स्तर बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। गांव में जो भू जल स्तर पहले 800 फीट पर था वो अब सुधर कर 300 फीट पर आ गया है। 14वें और 15वें वित्त आयोग निधि से गांवों में पानी की लाइन बिछाई गई, जिससे हर घर तक पानी पहुंच सका। आता तो आता पानी आलाच नाही लागत सर, आता घरीच पानी आयता आलं ना, आता काय लावा लागते सर? आता घरच्या नळालाच पाणी येते, तर आम्ही कुठंच पाण्यात जात नाही। पातळी वाढल्या, आता पाणी वाढल्यामुळे थोडंसं आमचं इन्कम भी वाढलं, त्यामध्ये जे आता थोडंसं शेती आता ओलीच झाली पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे। आमच्या इथे पाणी ती पातळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली का पूर्ण शेतकरी सुजलाम सुफलाम झालेला आहे। इसी उल्लेखनीय काम के कारण ग्राम पंचायत को जिला परिषद से सिल्वर कार्ड मिला और गांव जल समृद्ध और आरोग्यदायी बन गया। गाँव वासियों ने मुझे पूरा सहयोग किया, इसलिए खुरसापार ग्राम पंचायत का नाम राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर गया, सब लोगों को मालूम हुआ। मैं राज्य शासन और केंद्र शासन का आभार व्यक्त करता हूँ।